प्रयागराज में अतीक अहमद को लेकर विवादित बयान देने वाले कांग्रेस नेता को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कांग्रेस नेता व पार्षद प्रत्याशी राजकुमार उर्फ राजू भैया ने अतीक अहमद की कब्र पर तिरंगा फहराया। उसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पार्टी ने फौरन नोटिस लिया और उन्हें निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस नेता राजकुमार ने भी अतीक अहमद को शहीद घोषित किया था। इतना ही नहीं, उन्हें भारत रत्न देने की मांग भी उठाई थी। जब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो शहर कमेटी कांग्रेस प्रयागराज ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। उधर कांग्रेस ने इसे राजकुमार का निजी बयान बताया और कहा कि इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उनकी पार्षद उम्मीदवारी भी वापस ले ली गई है। राजकुमार ने राज्य के सीएम पर अतीक की हत्या करने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। अमर रहे अतीक भाई, अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे अतीक भाई, अमर रहे अतीक भाई, अमर रहे अतीक भाई, अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे अतीक भाई, अमर रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम। हे बाबा, हे जितने भी 1,24,000 पीर पैगंबर हे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, हे बाबा करम कर दो, हे बाबा करम कर दो। अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो, अमर रहोगे। तुम्हें मैं भारत रत्न दिलाऊंगा, तुम्हें सम्मान दिलाऊंगा, शहीद का दर्जा दिलाऊंगा। अतीक अहमद अमर रहो। वो शहीद हुए हैं, वो शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और अतीक अहमद को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और भारत रत्न दिया जाए। मोदी जब मुलायम सिंह को पद्म विभूषण मिल सकता है तो अतीक अहमद को संसद से अतीक अहमद को क्यों नहीं मिलता भारत रत्न।